दिया और बाति हम सीरियल में संध्या के आपने कई अवतार देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं संध्या का एक और अवतार। संध्या आप बन गई हैं बाइक राइडर। कैसे और क्यों कर रही हैं संध्या बाइक की सवारी, ये भी चलकर पता लगाते हैं। संध्या ने दिखाया अपना जुदा अंदाज। संध्या हुई बाइक पर सवार। हमारे टीवी के एक्टर्स अपने फैंस को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें तब देखने को मिला जब स्मॉल स्क्रीन की जाबाज बहू संध्या ने लिया ये अवतार। संध्या हमें नजर आई बाइक पर, लेकिन क्या है ये सारा माजरा, चलिए संध्या से ही जानते हैं। इस बार मैं आपको अलग करके दिखाने वाली हूँ। ग्लोब ऑफ डेथ के अंदर मैं बाइक चलाने वाली हूँ, सो बहुत टफ है मेरे लिए। ये ऑडियंस का प्यार ही है जिसने दीपिका को यहाँ कुछ अलग हटकर करने को किया मजबूर। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी संध्या यानी दीपिका को रियल लाइफ में बाइक चलानी नहीं आती, और साथ ही उन्होंने तो साइकिलिंग भी शो के दौरान ही सीखी है। क्यों, यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन संध्या से सुनकर शायद आपको यकीन हो जाए। मैंने साइकिल भी 2 दिन में सीखी है, स्कूटी भी 2 दिन में सीखी है, और आज फर्स्ट डे था बाइक का, काफी हद तक बैलेंस किया है, सो मैं अच्छे से कर लूंगी। वाह दीपिका, मान गए आपके इस डेडिकेशन को। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के तो क्या कहने, इनको अपने आप पर है पूरा भरोसा कि ये जो टास्क हाथ में लेंगी उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेंगी, और शायद यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई नया टास्क इन्हें मिलता ही रहता है, अब वो चाहे भाबो की तरफ से ही क्यों ना हो। मुश्किल चैलेंज उन्हीं को दिए जाते हैं जिन पर भरोसा होता है, जिन पर भरोसा होता है कि वो हाँ जीत कर इसको करके दिखाएंगे, इसलिए भाबो भी मुझे डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क देती है। मीनाक्षी और एमिली को नहीं देती है। संध्या, हमें भी आपकी ही तरह आपकी कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा है। इसी के साथ जब हमने दीपिका से जाना कि जब वो बाइक चलाने में हो जाएंगी परफेक्ट, तो सबसे पहले वो किसे दिलाना चाहेंगी राइड, तो सुनिए क्या था मैडम का कहना। मेरे पति देव तो नहीं बैठेंगे किसी भी हालत में, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम बहुत तेज चलाओगी, तुम बैठो चुपचाप से। तो वो मुझे कभी भी इतना बड़ा रिस्क लेने नहीं देंगे। हाँ, शूटिंग की बात हो तो जरूर लेने देंगे, बिकॉज उस टाइम पर वो पूरा सिक्योर चीजें करके चलते हैं। बट अपने भाई को बिठाऊंगी क्योंकि उसने मुझे बहुत घुमाया और बहुत डराया भी है। वैसे जब बात किसी को बैठाने की चली तो हमने दीपिका से पूछ ही लिया कि क्या कभी उन्हें रोहित के पीछे बाइक पर बैठने का मौका मिला है, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। शायद एक बार ली है, शायद एक बार, मेरी जैसे ऐसे वाले एडवेंचरस नहीं है। तो आप ज्यादा एडवेंचरस हैं। चलिए कोई नहीं दीपिका, हमें उम्मीद है कि रोहित भी धीरे धीरे आपकी तरह हो जाएंगे। फिलहाल तो आप इस बाइक पर ध्यान लगाइए और जल्दी से बाइक चलाने में परफेक्ट हो जाइए।